नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल गौरव है। मैंने यूपीपीसीएस 2019 में फोर्थ रैंक हासिल किया है। यूपीपीसीएस में मेरी ये पहली अटेम्प्ट थी। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है एंड इससे पहले मैंने यूपीएससी में चार अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें मैं दो बार इंटरव्यू पे गया हूँ। तो इट्स नथिंग लाइक कि ये मेरा बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट है इस तरह से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो इसे मैं बेसिकली चार भागों में बांटूंगा, पीटी, मेंस इंटरव्यू एंड द फोर्थ वन इज द मेंटल द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि वो क्या होनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री, जो प्री में जो बेसिक फैक्ट्स जो हैं जैसे कि पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत मैंने रेफर किया था, फिर मैंने हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम किया था, बट उतना मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऊपर ऊपर से स्पेक्ट्रम के हेडिंग्स मेनली बहुत देखे थे और लास्ट के जो अपेंडिक्स हैं उसे मैंने सही से देखा था। फिर साइंस एंड टेक में मैंने कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं किया था ना एनवायरमेंट से। मैंने घटना चक्र के जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मैंने अच्छे से देखा था, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने जो थे वो मैंने देखा था। एंड कमिंग टू यूपीएस स्पेसिफिक मैंने कहीं अलग से नहीं, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो वीडियोज थे जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे वीडियोज थे तो उनको मैंने देखा था और जहां तक हो सके मैं उसे एक दो बार देख के या कुछ कुछ लिख के याद करने की कोशिश करता था। एंड रिगार्डिंग करेंट अफेयर, मैंने करेंट अफेयर में केबीसी नैनो की बुक ली थी, मैंने कुछ वहां से किया था और कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से किया था। और मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी पीटी के लिए, जिसमें मैंने कुछ पांच के टेस्ट दिए थे। तो डेट वॉज ऑल। कमिंग टू मेन्स, तो मेन्स में मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। हालांकि मैंने दो जीएस के पेपर लिखे थे जो कि यूपीएससी के पेपर थे, बस मैं टाइम के लिए एक एग्जामिनेशन से पहले प्रिपेयर होना चाह रहा था तो मैंने 10-15 दिन पहले दो पेपर दिए थे। मेंस में फर्स्टली फोकसिंग ऑन हिंदी, मैंने हिंदी पे ज्यादा फोकस किया क्योंकि जो मेरे पहले सेलेक्टेड फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया था कि हिंदी मेक और ब्रेक होता है टू गेट अ रैंक पर्टिकुलरली इन द टॉप 20। तो मैंने पिछले 7 साल के जो हिंदी के पेपर थे उनके सॉल्यूशंस जो अवेलेबल थे या फिर जो उनमें रिपीटेड क्वेश्चन थे जैसे सर नाम क्या है ये सब, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। फिर लेटर के जो मेजर फ्रेमवर्क थे कैसे क्या लिखना है वो, क्योंकि हिंदी में मैं थोड़ा वीक भी हूँ तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। तो हिंदी 7 साल का देख के ज्यादा और मैं बहुत नहीं कोशिश किया याद करने का क्योंकि वो हो भी नहीं पाता, तो 7 साल पे ही मैंने अपने आपको वहां पे रखा था। कमिंग टू जनरल स्टडीज, तो मैं पहले जनरल स्टडी 2 और 4 पे आता हूँ। कमिंग टू 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 में आप अगर पैटर्न देखेंगे तो एक तो डेफिनेशंस की बात आती है, दूसरी कुछ एक्ट्स वो डिटो पूछ देते हैं या कुछ प्रोग्राम स्कीम्स पूछ देते हैं। तो आप बेसिकली जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है या इंपॉर्टेंट एक्ट्स है 8-10 ही, ज्यादा नहीं, RTI हो गया या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, इन पे आप तैयार कर ले। एंड मोर देन डैट आपके मन में एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि अगर कोई एक्ट पूछता है तो व्हाट आई विल राइट इन द इंट्रो, व्हाट विल बी माय द फ्रेमवर्क, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इट और ए कंक्लूजन। एंड रिगार्डिंग GS4 जो आपके टॉपिक्स हैं तो उनमें आपको स्टैंडर्ड टर्म्स के डेफिनेशंस याद होने चाहिए और वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, लाइक व्हाट इज कंपैशन, व्हाट इज एम्पैथी और आपके उस पर अपने कुछ एग्जाम्पल्स अपने होने चाहिए, दैट विल एड वैल्यू टू योर आंसर। नाउ कमिंग टू GS1, तो GS1 में मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, कुछ मैंने फैक्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की थी। GS1 में NCERT ही मैंने प्रेफर किया था ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को स्टैंडर्ड बुक रखा था, सोसाइटी के लिए मैंने बस डेटा थोड़ा सा अपने पास रखा था और मैं बस यहाँ भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख रहा था कि कैसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मेरी ये फोकस थी कि हर आंसर में अगर हो सके तो मैं एक मैप दे सकूं और एक आंसर में एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। कमिंग टू GS3, तो GS3 में ये डायनेमिक थोड़ा पेपर अभी रहता है और तो इसमें मैं ज्यादा स्टैटिक पे ध्यान नहीं दिया था, कुछ मैं फैक्ट्स जो पिछले पेपर के हिसाब से मुझे अच्छे जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे उसे मैं इकट्ठा कर लिया था। तो इट वाज ऑल फॉर जनरल स्टडीज मेंस। एंड कमिंग टू ज्योग्राफी, तो फॉर्चुनेटली ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, जैसे कि व्हाट आर द रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये सब चीजें आप अलग से प्रिपेयर कर लें, बाकी आप एनालाइज करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। मेरा प्राइमरी सोर्स वाजीराम का क्लास नोट्स था और ALS IAS के जो बेस्ट आंसर्स हैं उसको मैं आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से देखता था क्योंकि उसमें एक फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से आंसर की होती है, तो उससे स्ट्रक्चर जो होना चाहिए कि मैप कहाँ आपको देना है, कैसे आप कम कंटेंट में अच्छा आंसर लिख सकते हैं, वो मैंने देखा था।
नाउ कमिंग टू इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में मैंने ज्ञान सर को मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दिया था, तो उसमें एक प्लेलिस्ट थी, तो जिसमें बहुत सारे इंटरव्यू पहले जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यू थे, तो उस इंटरव्यू से मैंने एक पैटर्न देखा कि किस तरह के सवाल पूछने हैं। जहां तक मेरी इंटरव्यू हुई थी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया था, जैसे मेरे से सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर करवाया उन्होंने पूछा, मुझे याद नहीं था, या फिर सोमनाथ मंदिर को किसने रिपेयर करवाया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे याद नहीं थे, तो मैं बहुत ऑनेस्टली उनसे बोल देता था कि सर आई सॉरी सर आई डोंट नो। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे या जो ऐसे क्वेश्चन थे स्टैंड लेने वाले, उन पे मैं बहुत अच्छा काम किया था, बिकॉज देर इज अ लिमिट टू विच यू कैन वर्क ऑन फैक्ट्स, और फिर उसके बाद आप उसका आउटपुट बहुत कम होता है। तो इंटरव्यू में मेरी यही सलाह होगी कि जब आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप ना देने के बाद अपने आप को कैसे वहां पे प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी हम्बलनेस को कैसे वहां पे दिखाते हैं, ये ज्यादा जरूरी होती है, रादर देन कि आप हर चीज का जवाब दें। जहां ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां पे आप एक अच्छा बैलेंस्ड ओपिनियन दें, अगर आपको थोड़ा भी अपने आप पे डाउट है तो आप पहले बोल दें कि सर मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं या मुझे नहीं पता है सॉरी सर, ऐसा बोल सकते हैं, आई विल रीड अबाउट इट, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। कमिंग टू द फोर्थ एस्पेक्ट जो साइकोलॉजिकल है, तो फ्रॉम द फोर ईयर्स ऑफ फाइव ईयर्स ऑफ माई लॉन्ग जर्नी, तो मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी था, बिकॉज डूइंग प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज और साथ में जॉब करना जो कि बहुत चैलेंजिंग था, तो बहुत परेशानी थी, और मतलब फेजेस आते थे जब मैं बहुत लो फील करता था, और लोनलीनेस में जब मैं अकेले था वहां पे मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे कि जिनसे मैं कुछ शेयर भी कर सकूं, शायद फोन पे ही बात होती थी, तो उस समय में एक अप एंड डाउन होता था बहुत ज्यादा, तो उसके साथ जो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि उसके लिए जो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी कि जो टारगेट्स हैं उसको आप मिनिमम रखें, जब प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। द सेकेंड थिंग इज फियर ऑफ आंसर राइटिंग, जो हम सब में होता है, एक परफेक्ट आंसर की खोज में हम रहते हैं, ना कि हम इंक्रीमेंटल सोचते हैं। इस बार यूपीपीसीएस में मैंने 2019 के यूपीएससी से जो अलग यहां पे किया था और जिसने वर्क किया बहुत कम काम में, कि मैं फियर ऑफ आंसर राइटिंग को ओवरकम कर गया था और मैं बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिकली और बहुत फ्री माइंड से लिख रहा था। तो आप जो भी जो फियर ऑफ लूजिंग जो आपकी है वो इतनी बड़ी एक खुद में रोड ब्लॉक बन जाती है आप में कि आपको अपने गोल पे पहुंचने से रोकती है। तो हैव कॉन्टेंट इन योरसेल्फ, आप जो भी देते हो उसमें बी ऑनेस्ट एंड गिव ऑल द एफर्ट, लेकिन आप डरे ना कभी भी कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, या फिर मतलब एक साइकिल में ना फंसे कि जहां पे आपको ये आप एक निगेटिव लूप में चले जाएं। फाइनली डेट वॉज ऑल फ्रॉम मी एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स जो कि अगले साल अपियर हो रहे हैं, एंड फॉर दोज हु कुडंट गेट इन टू द लिस्ट दिस ईयर, आई होप आप लोग बहुत अच्छे रैंक नेक्स्ट ईयर में लाएंगे। डेट वॉज ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच।